नमस्कार दोस्तों, सर्च रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के हर एक लुक्कड़ पे या गली में चौराहे में आपको चाय की दुकान पे कुल्लड़ जरूर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुल्लड़ में चाय पीना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है और दोस्तों कुल्लड़ में चाय पीने से चाय का स्वाद भी बदल जाता है। अगर दोस्तों वही किसी किसी गली और चौराहे पे ऐसा होता है कि आपको फोम की गिलास या कांच की गिलास में चाय पीने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों फोम की गिलास और कांच के गिलास में चाय पीने से कई बीमारियां होने का खतरा होता है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे अच्छा आपको कुल्लड़ में चाय पीना होता है। तो आइए दोस्तों ये जान लेते हैं कि कुल्लड़ में चाय पीने से हमारे सेहत के लिए किस तरह से अच्छा होता है और वहीं फोम की गिलास या कांच की गिलास में चाय पीने से हमारे सेहत के साथ क्या होता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बात करें फोम की गिलास में चाय पीने से क्या होता है, तो दोस्तों फोम की गिलास में अगर आप चाय डालते हो तो ऐसे में दोस्तों फोम की गिलास के अंदर से हानिकारक तत्व चाय में मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पेट में जाते हैं और हमें तरह तरह की ऐसी बीमारियां होने का खतरा होता है। तो ऐसे में दोस्तों फोम की गिलास में चाय पीना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों बात करें कांच की गिलास में चाय पीने से क्या होता है, तो दोस्तों कांच की गिलास में अगर आप चाय पीते हो तो ऐसे में दोस्तों कांच की गिलास में सभी लोग चाय पीकर चले जाते हैं। वैसे में दोस्तों अगर उसको अच्छे से सफाई नहीं किया जाए अगर कांच की गिलास को, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप उसमें चाय पीते हो तो दोस्तों आपको आपके अंदर बैक्टीरिया जाने का खतरा हो सकता है, जिससे आपके पेट में दर्द अन्य तरह की ऐसी समस्या आ सकती है। और दोस्तों बात करें मिट्टी के बर्तन में यानी कुल्हड़ में चाय पीने की भी, तो दोस्तों कुल्हड़ में चाय पीने से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी 1 तत्वों में मिट्टी भी आती है। अगर दोस्तों आप कुल्हड़ में चाय पीते हो तो ऐसे में दोस्तों कुल्हड़ में चाय पीने से हमें कैल्शियम की पूर्ति होती है। और दोस्तों मिट्टी के बर्तन यानी कुल्हड़ में चाय पीने से या किसी भी तरह के बैक्टीरिया या हानिकारक तत्वों का चाय में मिलना ये मुश्किल होता है। ऐसे में दोस्तों ये बिल्कुल शुद्ध होता है और ये अच्छा होता है। अगर इसमें आप चाय पीते हो तो ऐसे में दोस्तों चाय का स्वाद भी बदल जाता है और हल्की मिट्टी की स्वाद आपको आती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप फोम के गिलास या कांच के गिलास में चाय पीते हो या स्टील के बर्तन में, तो दोस्तों आप कुल्लड़ में चाय पीना पसंद करें, क्योंकि दोस्तों अगर फोम और कांच के गिलास में चाय पीते हो तो ऐसे में दोस्तों आपको मालूम ही है कि फोम के गिलास में चाय पीने से फोम में मौजूद हानिकारक तत्व चाय में मिल जाते हैं। और वहीं दोस्तों बात करें कांच के गिलास की, तो दोस्तों कांच के गिलास में तरह तरह के लोग उसमें चाय पी के जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर उसके गिलास को सफाई से नहीं धुला जाए तो ऐसे में दोस्तों आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया जाने का खतरा होता है। वही दोस्तों कुल्लड़ की बात करें तो दोस्तों कुल्लड़ में चाय पीना बहुत ही अच्छा होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ हो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं।